हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन मार्केट में बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आई है सिटी नेटवर्क के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे साइन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें डील की है यहाँ पे सिटी नेटवर्क के साथ। तो हिंदुजा ग्रुप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा यदि आप मार्केट में हैं, यदि नहीं भी है तो इतना बड़ा ग्रुप है कि सबने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। आप यहाँ पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं हिंदुजा ग्रुप, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ग्रुप यहाँ पे रहने वाला है। एक छोटे से पेनी स्टॉक के साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग डील करके इसने यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सिटी नेटवर्क के पाले में दे दी है। साथ साथ यदि आप यहां पर फुल न्यूज यहां पर देखें, द डील विल अलाउ सिटी नेटवर्क टू डिलीवर देयर सर्विसेज। यहां पर सिटी नेटवर्क क्या है, यहां पर सर्विसेज देने वाली है किसको, यहां पर हिंदुजा ग्रुप के साथ साथ। यदि आप यहां पर फुल न्यूज देखें, हिंदुजा ग्रुप हेड एंड एंड इन द स्काई हिट्स, यहां पर जो फुल नाम रखा है हिट्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का नाम है NXT डिजिटल has signed first of its kinds infrastructure sharing agreement with rival and multi-system operator MSO City Network। तो यहाँ पर फुल न्यूज़ ऐसी कुछ रहने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी यहाँ पर जो न्यूज़ेज है, यहाँ पर 8.5 मिलियन करोड़ की डील यहाँ पर हुई है। यहाँ पर देखें तो 8.5 मिलियन इससे भी ज़्यादा की यहाँ पे डील यहाँ पे बताई जा रही है, बहुत बड़ी डील यहाँ पे रहने वाली है। साथ साथ यहाँ पे जो और भी कॉम्पिटिटर हैं, टू कन्वेंशनल कॉम्पिटेटर यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे डीलिंग आज के दिन मार्केट में सामने निकल के आई। डिजिटल प्लेटफॉर्म की यहाँ पे कोलेब्रेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो इस तरह से मार्केट में यही न्यूज़ आज के दिन बहुत यहाँ पे फैली हुई थी। साथ साथ यदि आप देखा फॉरम सेंटीमीटर पे, तो 75% लोग यहाँ पे सिटी नेटवर्क को इस समय बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख रहे हैं। वहीं पर 25% लोग बोल रहे हैं कि आप इसको अभी सेल कर दीजिए। बका यदि आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, यदि वीडियो पसंद है तो लास्ट में लाइक जरूर कर लेना। आप यहाँ पे पूरे मार्केट में देखें तो यही न्यूज यहाँ पे रहने वाली है, सिटी नेटवर्क विद हिंदुजा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। यहाँ पे देखें तो यही न्यूज यहाँ पे एग्रीमेंट जो आज के दिन साइन हुआ है, यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, यही न्यूज निकल के आ रही है। कैन यू शेयर वेयर दिस सिटी नेटवर्क, यहाँ पे देखें तो हिंदुजा एग्रीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है सभी इन्वेस्टरों के द्वारा। मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे चलता हूँ सिटी नेटवर्क के ऊपर। 1.65 रुपए पे इस समय शेयर का प्राइस रहने वाला है। देखें तो काफी लंबे समय से गिरावट के बाद अपना वामन वीक 52 वीक लो भी बना चुका है, क्योंकि इसका 52 वीक जो लो था वो 1.30 रुपए था। एंड अपने 52 वीक मतलब वन ईयर लो से काफ़ी करीब 1.65 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रहा है। वही यदि आप वन ईयर हाई देखें तो वो काफ़ी ऊपर 5.55 रुपए रहने वाला है। एंड 1.30 रुपए इसका 52 वीक रहने वाला है, जबकि इसके काफ़ी नज़दीक 1.30 रुपए के काफ़ी नज़दीक 1.65 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पूरे ग्रुप में रहने वाली है। साथ साथ वही यदि आज के दिन आप यहाँ पे चेक करें तो बहुत बड़ी आज के दिन वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि कल के दिन ओनली यहाँ पे 7 लाख का वॉल्यूम निकल के आया था, आज के दिन उससे 3 लाख का बड़ा वॉल्यूम 10 लाख का निकल गया है। जबकि इस शेयर में लगातार एक बड़ी डिलीवरी बेस पैटर्न उठाया जाता रहा है। 1 मंथ के एवरेज में यदि आप देखें तो 93% के ऊपर की डिलीवरी हुई थी। एंड वही यदि आप कल के दिन देखें तो पूरी लगभग यदि आप बोलें तो 100%, लेकिन उससे थोड़ी सी कम 95% की डिलीवरी कल के दिन यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। वही यदि आप देखें इसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पर साफ समझ में आ जाएगा पब्लिक की अभी भी इसमें हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 86% के अराउंड की हिस्सेदारी अभी इसमें पब्लिक ने बना के रखी है। वही यदि FIIs की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टरों के पास यहाँ पर 7.89% की होल्डिंग है। वही यदि प्रमोटर्स की बात करें तो 6.1% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। साथ साथ 0.01% की होल्डिंग यहाँ पर अदर्स बैंक एंड इंस्टीट्यूशन के पास है। उसी के साथ यदि आप प्रमोटर्स में बात करें तो काफ़ी सारे प्रमोटर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। प्रमोटर्स का जो पूरा ग्रुप है, जिसमें से ये तीन लोग जो सबसे ऊपर निकल के आ रहे हैं, चाहे वो SL मीडिया वेंचर लिमिटेड हो जिनके पास यहाँ पर 5% के अराउंड की होल्डिंग है। सेकेंड नंबर पर डायरेक्ट मीडिया सॉल्यूशन LLP करके, ये इनकी एक फॉर्म है, इनके पास 1.14% की होल्डिंग है। साथ साथ डिजिटल सैटेलाइट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 0.01% का स्टेक है। और भी बहुत सारे प्रमोटर्स की सब्सिडीज या प्रमोटर्स ही हैं जिनके पास ये होल्डिंग कुछ ना कुछ रखी हुई है। साथ साथ यदि आप यहाँ पर चेक करें तो लगभग लगभग यहाँ पे आठ प्रमोटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं।
प्रमोटर्स या उनकी अंदर की पार्टियां जो हैं वो यहां पे दिखाई गई, जिनके पास टोटल यदि चेक करें तो 6.1% का स्टेक है, जो मार्च 2022 में निकल के आया है। यदि आप यहां पे चेक करें तो 6.1% का स्टेक यहां पे समझ में आ रहा है। उसके साथ यदि आप FIIs की बात करें तो FIIs के पास एक छोटा सा स्टेक है, 7.89% का स्टेक। उसी के साथ यदि आप देखें तो FIIs ने लगातार इस ईयर में बिकवाली की है, क्योंकि FIIs के पास मार्च 2021 में 12.82% का स्टेक रहा करता था। उसके बाद यदि आप देखें तो लगातार FIIs ने इसके बाद जून 2021 में भी थोड़ी सी हिस्सेदारी की थी, लेकिन वहां से यदि आप सितंबर 2021 में देखें तो 12.31% से 12.15% बची थी। एंड उसके बाद यदि आप क्वार्टर तीन के रिजल्ट्स में देखें, दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 12% से वो होल्डिंग अभी 9% निकल के आई थी। देन यदि अभी देखें क्वार्टर फोर्थ के लेटेस्ट रिजल्ट्स में तो वो 7.89% निकल के आई। तो FIIs के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी बड़ी नेगेटिविटी इस शेयर में चल रही है, क्योंकि FIIs के द्वारा लगातार इस शेयर में बिकवाली देखने को मिली है। उसी के साथ यदि आप पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड दिखाया, एंड पब्लिक के पास अभी 86% के अराउंड की होल्डिंग तक पहुंच चुकी है। तो ऐसा कुछ इसमें चार्ट पैटर्न रहने वाला है। उसके साथ यदि अदर्स की बात करें तो इस समय अदर्स के पास 0.01% की होल्डिंग है, जो पहले 0.02% की होल्डिंग रहा करती थी। तो अदर्स के पास भी इसमें थोड़ी सी होल्डिंग है। अदर्स का मतलब इसमें बैंक इंस्टीट्यूशन से है जिनके पास यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग है। उसके साथ यदि आप क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर तीन के बेसिस पर क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे देखें तो सेम पैटर्न में ही देखने को मिले, जबकि यहाँ पे सेल्स कंपनी की जो क्वार्टर तीन में 365 मतलब 365 करोड़ की निकल के आई थी, वो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट में 359 करोड़ की निकल के आई। उसके बाद फिर यदि आप अदर इनकम चेक करें तो 1 करोड़ की अदर इनकम यहाँ पे 4 करोड़ की बनते हुए देखने को मिली। तो इस प्रोस्पेक्टिव से अदर इनकम में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, बस सेल्स के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी नेगेटिविटी समझ में आई। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप चेक करें तो टोटल इनकम यहाँ पे 366 करोड़ से घटते हुए 3 करोड़ की कम इसमें निकली, 363 करोड़ की इस समय टोटल इनकम निकली है। उसके साथ यदि एक्सपेंडिचर खर्चे देखें तो कंपनी ने जो 396 करोड़ के खर्चे किए थे, इस समय 416 करोड़ के खर्चे क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट में कंपनी ने कर दिए, जिस कारण से कंपनी को नेट लॉस कंपनी लगातार लॉसेस में, एंड इस समय भी कंपनी को जो नेट लॉसेस हुए हैं वो अभी 79 करोड़ के हुए हैं, जो लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर तीन में यहाँ पे 61 करोड़ के हुए थे। तो लॉसेस में कंपनी लगातार है, एंड इस समय भी कंपनी ने लॉसेस बना के रखे हैं। तो कंपनी यहाँ पे लॉस, यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए आप एक लॉस मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग एंटिटी में इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इसमें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बेसिस पे कि यहाँ पे बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ अभी कुछ समय से देखने को मिल रही है, चाहे वो हिंदुजा ग्रुप से लेके, एंड सेकंड इसमें जो पॉजिटिविटी बनते हुए नजर आ रही है, पहली हिंदुजा ग्रुप की पॉजिटिविटी, सेकंड पॉजिटिविटी है ये अपने 52 वीक लो पे, मतलब वन ईयर के लो पे चल रहा है। तो ये सभी अपॉर्चुनिटियां हैं, साथ साथ कोई भी कंपनी हो, पेनी स्टॉक हो या फिर अच्छा मल्टीवैलर स्टॉक हो, उसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ साथ ये सभी चीजें रहती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारी चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, गुड नाइट।